नाइन्थ क्लास आपका कल जो लेसन छूटा था उसे हम पूरा करेंगे। यहाँ से पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं उनको तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित सारी क्रियाएं आती हैं, जैसे कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, खनन आदि, ये सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीय क्षेत्र है दूसरा, उसमें जो सारे निर्माण आते हैं, यानी पहले वाले क्षेत्र से जो भी कार्य किए जाते हैं, जिन चीजों का निर्माण किया जाता है वो आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कृषि से हमने जो चीज प्राप्त की, मानी कपास प्राप्त किया, फिर हम उससे वस्त्र बनाते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब तृतीय क्षेत्र है, उसमें क्या है, जो सारी सेवाएं हैं वो आती है, जैसे व्यापार करना है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सारी सेवाएं आती हैं। और इस क्षेत्र में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन आता है। अब जैसे कि कपास तो फर्स्ट में पहले वाले आया, उससे जो बनाए वस्त्र वो द्वितीय क्षेत्र में, वस्त्र बना करके उसे हम और जो नए उसको नए आकार में देते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आता है। अब ये जो ना ये क्षेत्र है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, इसमें ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं, ये क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। और जिन चीजों को उत्पादन से हम पैसा कमाते हैं वो सारी क्रियाएं हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को भी दो भागों में बांटा गया है, बाजार क्रिया, गैर बाजार। बाजार क्रिया हमेशा लाभ के उद्देश्य से की जाती है, बाजार में जाकर के उनको बेचते हैं और फिर उसे में ये धन का लाभ होता है। तो ये क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित होता है। और जो गैर बाजार क्रिया है उनका आशय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इसमें प्राथमिक उत्पादनों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियां सम्मिलित हैं। जो हम सिर्फ अपने उपयोग के लिए करते हैं पैदा, वो आती गैर बाजार में। नीचे चित्र में ये दिखाया गया पहला वाला है, ये जो है प्रथम क्षेत्र का है कृषि से संबंधित, और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र से क्योंकि निर्माण कार्य का है, और तीसरा सेवा वाला ये शिप वगैरह दिखाए हैं, ये तृतीय क्षेत्र, तीन क्षेत्र का। अब इसमें से गैर आर्थिक क्रिया कौन सी है, तो जो नहीं ये तो अभी आप इसमें नहीं, अब ये देखिए सामाजिक व्यवस्था में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। जो सामान्यतः महिलाएं भी घर का कार्य करती हैं और पुरुष खेतों में करते हैं। अब अभी हमने पहले दो उदाहरण पढ़े थे शकल के अभिलाष के, तो उसमें शकल की माँ शीला वह घर में खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है या की सफाई भी करती है, बच्चों की देखभाल करती है, और वही इसके पिता जो बूढ़ा सिंह वो खेतों में काम करती हैं, और फिर जो उपज है उसको बाजार में बेचती हैं, और फिर परिवार के लिए उससे धन पैदा करती हैं। तो जो शीला जो है वो तो पालन पोषण के लिए सेवाएं करती हैं, पर लेकिन उसकी सेवाएं क्या हुई, वो गैर बाजार से है। और जब उसके पिता बाहर जो करते धन कमाते हैं तो वो बाजार के लिए हुई, क्योंकि वे धन कमाते हैं और जिससे परिवार का पालन पोषण के लिए खर्च करते हैं। अब परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान तो किया नहीं जाता है, तो इसलिए उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। अब वही विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय पैदा करती है, तो और महिलाओं की इस प्रकार महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। अर्थात सकल की माँ थी वो घर का काम करती थी, उससे उसको धन पैदा नहीं होता था, तो उसकी आय तो उसकी तो एक तो गैर बाजार क्रिया हुई और उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में जोड़ती है। भाई विलास की माँ बाजार जाकर मछली बेचती है, उससे धन पैदा करती है, तो उसकी ये क्रिया बाजार क्रिया हुई,
और क्योंकि उससे पैदा करती है और उसकी क्रिया को हम सेवा की राजक्रिया में जोड़ते हैं। अब देखिए जब महिला श्रम बाजार में प्रवेश करती है दूसरों की भांति स्त्रियों की आय उनकी शिक्षा कौशल के आधार पर ही फिर निर्धारित की जाती है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण निवेश है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के अच्छे उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। अधिकांशतः महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक भी मिलता है। अधिकतर महिला वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोजगार एवं निम्न आय असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश शिशु देखभाल और अन्य सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहीं उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती है। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता। किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। जनसंख्या अंत में जाकर देश की समृद्धि दर को भी निर्धारित करती है। साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश के लिए परिसंपत्ति या संपदा होती है जबकि निरक्षर एवं अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। अशिक्षा समाज के विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है साथ ही प्रशासन की कार्यक्षमता को भी बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति के निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर व्यय पहली पंचवर्षीय योजना के रूपए 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 3,766.90 करोड़ हो गया। सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.64% से बढ़कर 215-16 में 3% हो गया। इसके बाद यह स्थायी रूप से कुछ वर्षों तक 3% रहा। इन उपायों से साक्षरता